हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिक रेसिपी। आज हम बनाएंगे पड्डू, जो कि साउथ का फेमस डिश है। वैसे तो आजकल सभी को बहुत पसंद आते हैं और ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। ना ज़्यादा इसमें ऑयल यूज होता है, ना कोई स्पाइसेस। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनाया जाता है इसे। इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम के करीब सूजी, जिसे हम रवा भी बोलते हैं, चॉप्ड अनियन, चॉप्ड कैप्सिकम, चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिली, स्वीट कॉर्न, एक कप दही, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। सबसे पहले हम एक पतीला में डालेंगे सूजी और दही, दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम 2 चम्मच के करीब पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। इसे अब हम ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि सूजी अच्छी तरह फूल जाए। तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। गैस पर चढ़ाएंगे पैन, उसमें डाल देंगे 2 चम्मच के करीब ऑयल, जीरा, ग्रीन चिली, प्याज। इसे थोड़ा सॉफ्ट होने देते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए कैप्सिकम, कॉर्न। इसे भी हम मिक्स करके सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा पक जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कोरिएंडर लीव्स। तब तक सूजी को चेक कर लेते हैं, ये काफ़ी ड्राई हो चुका है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। एक बार में हमें ज़्यादा पानी यूज नहीं करना है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि हम कितना पानी डाल रहे हैं। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी यूज करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें कॉर्न अनियन का मिक्सचर डाल देंगे और इसे मिक्स करके चेक करेंगे कि इसका कंसिस्टेंसी कैसा है। अगर ये हमें ज़्यादा थिक लगेगा तो हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। उसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छी तरह मिक्स करके साइड में रख देंगे। तब तक चढ़ाएंगे गैस पे पड्डू मेकर। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे, पड्डू बनाने में ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम इसमें एक एक करके डाल देंगे। इसके ऊपर से भी हम थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे। सूजी को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आइए अब हम इसे पलट लेते हैं। अब हम इसे चारों साइड गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। ऑलमोस्ट पक चुकी है, आइए अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसे नारियल की चटनी, बादाम की चटनी, मीठी चटनी, किसी भी चीज़ के साथ इसे हम सर्व कर सकते हैं। अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।